नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। कांग्रेस देश भर में भारत जोड़ो संविधान अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान की शुरुआत आज यानी 26 नवंबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगी। बता दें कि ये घोषणा कांग्रेस के ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हरियाणा कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव ने चंडीगढ़ में की है। बिहार में पैक्स चुनाव की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। बता दें कि पैक्स चुनाव के लिए 5 चरणों में मतदान होने हैं। पहले चरण की वोटिंग 26 नवंबर यानी आज होगी। बता दें कि अंतिम चरण की वोटिंग 3 दिसंबर को होनी है। बता दें बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने गृह विभाग को पत्र लिखकर इस संबंध में सूचना दी है। आज से उत्तर प्रदेश में सेना भर्ती शुरू होने जा रही है। बता दें बीते दिनों में बिहार के पटना के पास दानापुर में आर्मी भर्ती में हंगामा हुआ था, जिसको लेकर नया शेड्यूल जारी किया गया था। नए शेड्यूल के अनुसार उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए 26 नवंबर यानी आज से 1 दिसंबर की तारीख तय की गई है। वहीं बिहार के उम्मीदवारों के लिए 3 दिसंबर से 11 दिसंबर की तारीख तय की गई है। 20 नवंबर को 2 चरणों में सभी 81 सीटों के लिए हुए विधानसभा चुनाव में झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज कर लगातार दूसरी बार राज्य की सत्ता हासिल की है। सूत्रों के अनुसार जेएमएम नेता हेमंत सोरेन आज यानी 26 नवंबर को चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। नवोदय विद्यालय समिति ने रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए आयोजित होने वाले लेटरल एंट्री चयन परीक्षा की अंतिम तिथि आज यानी 26 नवंबर रखी है। उम्मीदवार आज अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। बता दें कि एनवीएस प्रवेश परीक्षा 2025 की अवधि में 2 घंटे 30 मिनट की होगी, जिसमें दिव्यांग छात्रों को अतिरिक्त 50 मिनट दिए जाएंगे। परीक्षा में 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। आज यानी 26 नवंबर को महिंद्रा बड़ा धमाका करने जा रही है। कंपनी इस दिन 2 नए गजब के इलेक्ट्रिक मॉडल पेश करेगी। बता दें कि महिंद्रा मॉडल XEV 9e और BE 6e लॉन्च करने जा रही है। दोनों मॉडल आज यानी 26 नवंबर को 2 नए सब ब्रांड XEV और BE के तहत ग्लोबल डेब्यू करेगी। इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस की ओर से सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एवं कांस्टेबल पदों के नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती का ऐलान किया गया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 नवंबर 2024 से शुरू कर दी गई थी। वहीं आवेदन पत्र भरने की आज यानी 26 नवंबर को अंतिम तिथि है। उम्मीदवार आज आखिरी दिन अपना आवेदन दाखिल कर सकते हैं। भारत में आज यानी 26 नवंबर को Realme GT 7 Pro फोन लॉन्च होने जा रहा है। ये भारत का पहला ऐसा फोन है जिसमें Qualcomm का नया Snapdragon 8 Elite चिपसेट मिलेगा। Realme GT 7 Pro टॉप एंड फीचर्स के साथ ट्रू ब्लू फ्लैगशिप होगा, जिसकी भारत में प्रीमियम सेगमेंट में एंट्री होने की उम्मीद है। महिंद्रा आज यानी 26 नवंबर 2 नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने जा रहा है। बता दें कि महिंद्रा के नए इलेक्ट्रिक मॉडल में एक लग्जरी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल और एक अन्य SUV होगी, जिसे विशेष तौर से ऑफ रोडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। आज यानी 26 नवंबर में दिल्ली में औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा, लेकिन आज यानी 26 नवंबर को भी दिल्ली के AQI में सुधार नजर नहीं आ रहा है। वक्त हो चुका है आज के इतिहास का, तो आइए जान लेते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज के दिन सन 1949 में आजाद भारत के संविधान पर संविधान सभा के अध्यक्ष ने हस्ताक्षर किए थे। आज के दिन 1952 में कवि मुनव्वर राणा का जन्म हुआ था। सन 2001 में आज के दिन नेपाल में 200 माओवादी विद्रोही मारे गए थे। सन 2006 में आज के दिन इराक बम धमाके में 200 लोगों की जान गई थी। सन 2014 में आज ही के दिन प्रसिद्ध इतिहासकार तपन राय चौधरी का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।